अस्सलाम वालेकुम फर्मसी तैजा शाह यूट्यूब के पर्दे पे आप देख रहे हैं ब्लॉग। और नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ प्यादी कॉलोनी में जो पेट्रोल पंप है शेल का, उसके बिल्कुल सामने अलखिदमत का जो सेंटर है उसके बिल्कुल बराबर में जो बाबा फरीद फीड सेंटर है उनके मालिक ने एक लंगर का इंतज़ाम किया। आपने मेरे इस सीन से पहले वो एक सीन देखा होगा और वो लंगर एक बहुत बड़े पैमाने पर हर साल किया जाता है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। तो उसके कुछ सीधा सीधा मनाज़िर जो व्लॉग की नज़र में कर रहा हूँ और जो आपकी नज़र में कर रहा हूँ वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाँ नाज़िर, इसके अलावा यहाँ पे लोगों को टिफिन भी दिया जा रहा है इस तरह पैकेज। अच्छा, वो लोग हैं कुछ हमारे बहुत हमारे खास खास लोग हैं जो हमारे साथ काम में शामिल होते हैं 12 रबीउल की तवज्जो से ना, मतलब कुछ लाइट वगैरह काम हुआ या कुछ बागत वगैरह काम हुआ, कुछ जैसे गमले काम हुआ, जैसे हमारे बागत की पूरी टीम बैठी हुई है, ये पूरी बागत वालों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया। ये हमारे केएलटी के ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, तो इन्होंने की तवज्जो से आज हमारी लोड शेडिंग नहीं हुई माशाल्लाह आईबी के अंदर। दो दिन के लिए हमारा टाइम दिया था, दो दिन इंशाल्लाह ये 2 दिन हमारी लाइट नहीं जाएगी। तो बिजली का आपने खुसूसी इंतजाम किया ताकि यहाँ पे लोड शेडिंग ना हो। हमारे भाई बिल्कुल। और नाज़रीन मैं आपका तारुफ करता चलूँ कि ये जावेद भाई हैं जो कि बाबा फरीद फीड सेंटर के ऑनर हैं और इन्हीं के ज़रिए अहतमाम ये लंगर का अहतमाम किया गया है 12 रबीउल अव्वल की जो ये रात लग चुकी है। तो जावेद भाई इस कार्य खैर में ये कितने साल से आप कर रहे हैं? ये 7 साल हो गए माशाल्लाह सर। और इसके तैयारियां कितने दिन से आप शुरू कर देते हैं? 2-2.5 महीने हो जाते हैं शुरू करने के लिए और बाकी बताए अभी ख़त्म होगा, नेक्स्ट टाइम शुरू होती है तैयारियां शुरू हो जाएंगी माशाल्लाह। और इसके अलावा आपका कोई अनाउंसमेंट था जो कल? कल इंशाल्लाह हमने ख़ास तौर पर आबिद अंदम और अजवा खजूर का तोहफा रखा है 12 रबीउल के तहफ़ से और ख़ास तौर पर जो है वो कल इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा। कल बाद नमाज ज़ोहर 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल यहीं इसी जगह पर अजवा खजूर और आबे जमजम बॉटल्स आप देंगे। तो नाज़रीन आ रही है खुशखबरी, प्योर आबे जमजम, एक कतरा भी पानी नहीं बिल्कुल। ये बहुत बड़ी, तो इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में कुशादगी और खुशहाली और दीवी और शादमंग दी है और हमारी भी फरमस्ती भी तायदा शाह चैनल की तरफ से भी मेरी बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, इसी तरह खुशहाल रखे आपको। और ऐसे लंगर एक दिन में आप ना जाने कितनी जगहों पर कर रहे हो, अभी तो एक जगह पर चल रहा है लेकिन और भी जगहों पर आपके चल रहा हो। ये आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपके ताउन के जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि इलेक्ट्रिक के आप बात है नाज़िम है अच्छा इस काम को भी मैनेजमेंट करता हूँ। अच्छा सही, हमारी पूरी टीम का हिस्सा है जो टीम को हम चला रहे हो। जी जी जी, बताइए बताया काम तो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, ये टीम वर्क होता है पे हमारी पूरी एक टीम बनी है बकायदा बाबा फरीद के नाम से। जी जी जी, हमें काम करते हुए आ रहे हैं लेकिन मशहूर मैं कलेक्टिव का हूँ, बिल्कुल अतीक भाई का हूँ, शेख भाई ने बैठ गया और इनका प्रॉमिस था कि नादिम भाई मैं आपकी 11 बार शूटिंग में हूँ, मतलब शुक्रिया अब तक आपको इलेक्ट्रिक में आप हैं जी माशाल्लाह। आपका तारुफ? मेरा नाम अतीक अहमद। अतीक अहमद, अतीक भाई के इलेक्ट्रिक में आपका जो डेजिग्नेशन है क्या है? डिप्टी मैनेजर। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ की पीआईबी की आवाम के साथ तावुन किया और बिलखसूस बाबा फरीद फीड सेंटर की जो ऑनर है उनके साथ आपने तावुन किया। आप दोनों का मैं बेहद मशहूर मनूँ बल्कि मैं क्या कि इस तवस्तु से ये कि रोशनियों का ये शहर बना हुआ है पीआईबी और मुझे भी जो व्लॉग बरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ मुझे भी एक अच्छी लाइट मिल रही है अपने यूट्यूब चैनल के लिए और पर्दे पर जब ये व्लॉग देखा जाएगा यूट्यूब के पर्दे पर तो ये एक जगमगाती वीडियो होगी और एक साफ वीडियो होगी और बेहद शुक्रिया इसके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि लंगर का इंतज़ाम किया जा रहा है माशाल्लाह से और लोगों की एक जमे गफीर या लोगों की एक भारी तादाद यहाँ पे आई हुई है और अब तक आप देख सकते हैं कि 2 से 3 जगहें खाली हो चुकी हैं। साथ साथ लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह एक भारी अक्सरियत में आए हुए हैं और इसको खा रहे हैं। ये ऑनर जावेद भाई ये नज़र आ रहे हैं, जावेद भाई ये ऑनर है, इनके ज़रिए तमाम ये सब कुछ हुआ है माशाल्लाह से और आप देख सकते हैं। तो पीआईबी वाली कॉलोनी में वाकई जो ये पेट्रोल पंप है इसके बिल्कुल सामने ये अलखिदमत सेंटर है, ठीक है, और इसके बिल्कुल इस तरह बराबर में
फीड हाउस है, बाबा फरीद फीड हाउस। तो यहाँ पे ये इसका अहतमाम किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी देगे हैं, क्योंकि अभी भी अवामुन्नास को सर्व नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ देगे ऐसी हैं जो अवामुन्नास को सर्व कर दी गई हैं, और अब तक 2 से 3 देगे खाली हो चुकी हैं। एक लोगों का जब गफीर आप देख सकते हैं कि लोगों ने एक तूफान बदतमीज़ी मचाया हुआ है यहाँ पर, चूँकि बाहर अभी अव्वल की रात लग चुकी है, और ये लंगर का अहतमाम बाबा फरीद फीड सेंटर से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे अभी देखें किस तरह जो है माशाल्लाह देख से हाल में मुंतकिल किया जा रहा है। बोटियाँ आ गए ना मुंह में पानी जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे, सब देख रहे हैं आपको, बुरी बात है। पीआईबी कॉलोनी में माशाल्लाह से लंगर चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है। ये जावेद भाई हैं हमारे, जिन्होंने अहतमाम किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको जो वॉलेंटियरली सर्व किया जा रहा है, और अवामुन्नास के लिए इस लंगर का अहतमाम किया जा रहा है, इसको सर्व किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लोगों का एक जमा गफीर है जो यहाँ पे मछली बाजार बनाया हुआ है इसने, और उसके अलावा एक तूफान बदतमीजी भी देख सकते हैं। देखिए क्या करें, ये बाहर अभी अवल है, खुशी का मौका है, नबी की खुशी मनाई जा रही है, तो इसलिए लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं, और ऐसे लंगर के लिए कहते हैं कि नबी के नाम का लंगर है तो कौन मिस करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आवाम टूट पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस का ज़्यादा एहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से आवाम ने ये तूफान मतलब बदतमीजी मचाया हुआ है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह नीचे बैठा जा रहा है। तो बस तो और ये मेरा और राशिद का थाल आ चुका है, राशिद ने शुरू कर दिया है, और अब मैं शुरू करूँगा, ये देखें। जी हाँ, इस वक्त मेरे दोस्त फैजान भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो जावेद भाई के खास भतीजे हैं। तो फैजान कैसा लग रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, फैजान कैसा लग रहा है वॉलेंटियरली यहाँ पे काम करना, क्या टफ है या चैलेंजिंग है? अच्छा, लोग बड़ा जब फील में आए हैं और कसीर तादाद में आए और तूफान बदतमीजी मचा रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया? आपने देखा कि फैजान बता रहे हैं कि जी ये सर तोड़ मेहनत है और इसमें खून पसीना लग रहा है, और जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा लंगर जब एहतमाम किया जाता है तो फिर उसमें मेहनत तो लगती है, चाहे वॉलेंटियरली काम करे बंदा या अपने घर का फंक्शन समझ के काम करे, एफर्ट तो है, एफर्ट लगती है। देखिए मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ तो इसमें एफर्ट लगती है, और आप देख सकते हैं कि ये जो लंगर का एहतमाम किया गया है इसके लिए कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। पीआईबी कॉलोनी के पास जो सेंट्रल जेल है उसके बिल्कुल सामने, जो सेंट्रल जेल के बैक साइड पे जो शेल का पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल एडजस्टेंट जो ये अलखिदमत का इदारा है, यहाँ जो बाबा फरीद फीड सेंटर है, इसके जाने आप देखिए कि इसके अकब में और सामने
किस कदर ट्रैफिक है और लोग जो इस लंगर को खाने के लिए आए हैं, उसके अलावा आप ट्रैफिक की सूरत हाल भी देख सकते हैं।